राम राम जी सारिया ने। मेरा नाम कविता, मैं इंस्टा पर रील बनाया करूँ हूँ और मेरी रील कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो मैंने बहुत अच्छा लगा, तो इस करके सोचा मैं अपनी लाइफ की कुछ चीजें यूट्यूब के जरिए मैं आप तक शेयर करूँ। तो अपना यूट्यूब चैनल है कविता नैन्स रावत का नाम था, तो प्लीज उसने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबा लियो और शेयर कर दीजिए जो भी वीडियो डालू, और कोई कमी हो तो भाई कमेंट के जरिए बता दियो, मैंने कोई कमी लागत तो बता दियो और कुछ खासियत लागत तो भी बता दियो मैंने। जैसे कि मेरी शादी दुर्जनपुर में हो रखी है जिसकी डिस्ट्रिक्ट जींद है और तहसील लुचियाना है। मेरे दो बच्चे हैं, सास ससुर हैं नहीं मुझे, ससुर तो मेरी शादी के एक साल बाद ही एक्सपायर हो लिए थे और सास को भी 8-9 महीने हो जाएंगे, 14 जनवरी को एक्सपायर हुई थी मेरी सास। दो ननद हैं, बहुत अच्छी है भाई, जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। और मैं मेरी लाइफ की हर चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी, जैसे मेरा डेली रूटीन है, मेरे बच्चे कितने बड़े हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, तो मैं व्लॉग डाल रही हूँ अपना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग पे कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अगर कुछ गलती लगे तो भाई गलती भी बताइयो, लेकिन एक सभ्य तरीके से बताइयो भाई प्लीज। इस प्लेटफॉर्म पे सारे बड़े छोटे भाई सारे जुड़े हैं, और मैंने बेरा है आपके संस्कार इतने बुरे हैं नहीं कि आप बैड कमेंट करोगे, अगर कुछ भी गलत लगा तो भाई सभ्य तरीके से। फर्स्ट व्लॉग है तो मैं अपने गांव का मंदिर के दर्शन करवाना चाहूंगा आपसे भाई। हमारा नगरी का जो बड़ा खेड़ा है, बड़ा पूजनीय है, बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति हमारी, तो आज स्टेप टू स्टेप मैं एक एक अपने देवी देवता का दर्शन करवाना चाहूं भाई, अपने मंदिर के दर्शन करवाना चाहूं मैं। तो जुड़े रहियो मेरे साथ में, चलो आप चलेंगे दर्शन करने खातर जी। आपको रास्ते का नजारा दिखाते हैं, बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत सा नजारा है हमारे गांव का। ये मंदिर का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर शायद घर से दूर होगा, ज्यादा नहीं है। प्रधान जी तो गए थे कल बार, और डुग्गू और डुगली गए थे मेरे साथ में दर्शन करने के लिए। प्रधान जी के बिना अकेला फील तो कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है भाई, हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो देखिए मंदिर का नज़ारा, तो देखिए मंदिर का नज़ारा, बड़ा प्यारा मंदिर बनाया भाई हमारे गाँव वालों ने, ससुराल वालों ने, बहुत बड़ा है, अच्छी स्पेस में मंदिर बनाया, और गाँव से बिल्कुल बाहर है, पहाड़ी एरिया बोल लो इसको, या थे का मंदिर भी बोलते हैं भाई इसको। दादी गोरी जी का मंदिर है, और शायद में शायद दादा खेड़ा है, शायद नहीं पक्का दादा खेड़ा है। तो देखिए जी, सबसे पहले पूजा दादा खेड़ा की होती है, हमारे गांव में तो दादा खेड़ा की पूजा हमेशा घूंघट निकाल के की जाती है, और सबसे पहले दादा खेड़ा जी को ही मनाया जाता है, हमारी नगरी के राजा है ये, बड़ी मान्यता है हमारे गाँव में दादा खेड़ा की, शायद होगी सबके गाँव में ही होगी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो है भाई दादा खेड़ा की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में जी हम जाते हैं शिव जी के मंदिर में, तो शिव जी के मंदिर में भाई हमारा भोला भंडारी है शिव शंकर जी, उसको भी मनाना उतना ही ज़रूरी है, शंकर जी की महिमा से सारे सब लोग अवगत है भाई इससे। उसके बाद में हम नेक्स्ट मंदिर में जाते हैं भाई, इस मंदिर में हमारे तीन जो बाबा जी हैं विराजमान हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को नाम पता तो भाई कमेंट में बता सकते हैं, मुझे पता नहीं है बाबा जी का क्या नाम है, कौन से बाबा जी का क्या है, मैं सिर्फ दर्शन करवा सकती हूँ, बाकी भाई गांव वालों को तो पता ही है बाबा जी के क्या नाम है। उसके बाद हम चलते हैं दादी गौरी के मंदिर में, भाई दादी गौरी की महिमा को भी सब लोग जानते हैं, दादी गौरी के बड़े बड़े धाम हैं, डाया में हैं, एक शायद दूसरा ही कोई गाँव है उसमें भी दादी गौरी की बड़ी मान्यता है भाई, बड़े लोगों को आराम हुए हैं दादी गौरी का झाड़ा लगवाने से, उसकी बबूती खाने से, भाई मैंने तो आराम होते हुए देखे हैं, दादी गौरी की महिमा भी अपरंपार है भाई, हमने देखी है भाई ये भी। उसके बाद में चलते हैं भाई शिवलिंग पे, देखो शिवलिंग की पूजा करनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम शंकर जी की पूजा करते हैं, मानती हूँ इसी का पिंडदान है ये भी, लेकिन जो जो प्रतिमाएँ बनानी है उनके दर्शन करना, आप लोगों को दर्शन करवाना भी उतना ही ज़रूरी है, कि मेरे गाँव में कितनी मान्यता कितनी पूजा होती है, कितने सारे देव स्थल हैं, मैं हर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद में चलते हैं बाबा पालनाथ जी की, इसमें भाई मान्यता है हमारे बाबा पालनाथ जी ने समाधि ली थी यहाँ पे, अंतिम सांसें हमारे गांव में ही ली थी, बहुत बड़ा भंडारा किया था बाबा पालनाथ का,
और बड़े बाबा जी को पूजनीय हैं, बड़े बाबा जी बहुत पूजा करते हैं हम, उसके बाद में हम चलते हैं। ये दूना बोलते हैं किसको मुझे नहीं पता भी, जिसकी हम बबूती लेके आते हैं घर में, उससे आराम होता है लगाने से, खाने से, जो भी है। देखो भाई, जिसकी जितनी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग बंदा करता है, हमको तो आराम होता है, हम तो मानते हैं इन चीज़ों को। मैं फिर उसके बाद में हम चलते हैं, ये है शिव जी, सॉरी गणपति जी का मंदिर। गणपति जी का छोटी सी प्रतिमा है, वैसे तो गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है, लेकिन हमारे गांव में दादा खेड़ा की ही पूजा सबसे पहले होती है। देखो भाई, देवी देवता सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलती, मेरी हर देवी देवता के प्रति श्रद्धा बहुत अच्छी है, मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं ठहराती। उसके बाद में भाई हम अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं प्रसाद डालने के लिए, और कुछ प्रसाद हम घर के लिए लेके आते हैं ताकि सब में बांट सके और हम प्रसाद खुद ग्रहण कर सकें। ये अंदर जहाँ पे बाबा जी रहते हैं वहाँ का व्यू है भाई, देखिए आप लोग हैं। उसके बाद में भाई घर के लिए चल रहे हैं, डुग्गो डुगली बड़ा परेशान कर रहे हैं, बड़े परेशान कर रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं भाई, बच्चे तो शायद सबके करते ही होंगे इंजॉय। इसके बाद जी जा रहे हैं हम घर के लिए, काफ़ी लेट हो चुका था, इसके पापा भी बाहर गए हुए थे, यानी हमारे प्रधान जी बाहर गए हुए थे, तो दूध भी निकालना था, वैसे ही बहुत लेट हो गए थे, बाहर जाना पड़ गया था पहले हमको, उसके बाद में घर जाने के लिए फिर लंबा है ही, 15 मिनट तो 10 मिनट तो आराम से लगते हैं। घर जाने के बाद में हमारे यहाँ जो जल लेके आते हैं मंदिर से, वो ठंडे करते हैं, कोड़े ठंडे करने बोलते हैं उसको। अच्छा भाई, मेरे फर्स्ट व्लॉग है, इसमें कोई गलती हो तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांगू आपसे, क्षमा जरूर कर दियो। और कुछ और जानना है हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, तो भाई कमेंट करके बता दियो। हस्बैंड भी अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते, अगर आप कमेंट करोगे तो बच्चे और हस्बैंड उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी पक्का। तो प्लीज भाई कमेंट करियो, कुछ बुरा लग गया हो तो भी, अच्छा लग गया हो तो भी, और एक एक लाइक तो प्लीज सारे के सारे करियो, क्योंकि देखो मैं भी इससे मोटिवेट होंगी, कुछ और बेस्ट देने की कोशिश करांगे, कुछ गलतियां होंगी तो उन्हें सुधारने की कोशिश करांगे। तो भाई प्लीज यही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबा लियो, और लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई सारे।